हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जिस प्लांट के बारे में है, ये ना तो कोई फ्लावरिंग प्लांट है और ना ही ये ओर्नामेंटल प्लांट है। ओर्नामेंटल मतलब ये शो का पौधा भी नहीं है। फ्रेंड्स, इसे ना तो हम नर्सरी से खरीद कर लाते हैं और ना ही हम इसे सीड से ग्रो करते हैं। ये अपने आप ग्रो होने वाला पौधा है। ये आपको कहीं भी पार्क में, रोड साइड या आपके गमले में या गार्डन में ये प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरली उगता है। मतलब ये एक खरपतवार है, मतलब वीड्स है। फ्रेंड्स, ये कोई फालतू पौधा नहीं है बाकी वीड्स की तरह। ये एक हर्बल प्लांट है। इसका नाम चांगेरी है और साइंटिफिक नेम है ऑक्सालिस कॉर्निकुलेटा। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे तीन पत्ती, आम्ल पत्रिका, खट्टी मीठी बूटी या खट्टा मीठा। ये दो वैरायटी मिलती हैं, जैसे ये बड़ी थी और ये एक छोटी वैरायटी है। इसके पत्ते छोटे होते हैं, मैच्योरिटी पे भी इतने ही छोटे होते हैं और ये छोटी वाली पे येलो कलर के फूल खिलते हैं, और जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे बड़ी पत्ती वाली, उस पर पिंक कलर के फूल खिलते हैं। अच्छा, फूलों का कलर अलग अलग भले ही है, पर इनका जो खाने का स्वाद है, जैसे आप टेस्ट करोगे तो ये दोनों ही खट्टी लगती है, थोड़ी सी खट्टी मीठी। बस जैसा कि मैंने बताया, ये एक हर्बल पौधा है। हमारे इंडिया में आयुर्वेद में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आम लोगों में भी इसे घरेलू नुस्खे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताऊंगी, जैसे मतलब हम लोग घरेलू नुस्खे में कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारे हमारे प्लांट हैं, हर्बल प्लांट होते हैं जो कहीं भी उगाते हैं, पर उनकी पहचान करना आसान नहीं होता है। हर किसी को वो पहचान में नहीं आते। पर इस जो ये प्लांट आप देख रहे हैं चांगेरी, इसकी पहचान सबसे बड़ी है कि देखिए, इसमें सामने तीन पत्ती हैं। चाहे छोटी चांगेरी हो चाहे बड़ी चांगेरी हो, दोनों में तीन पत्ते होते हैं और पत्ता भी हार्ट की शेप का होता है जो आपको देख रहे हैं सामने। फ्रेंड्स, मैं अब आपको एक एक करके इसके फायदे बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहला घरेलू नुस्खा जो चांगेरी का है वो ये है कि इसके पत्तों के रस से अगर आप कुल्ला करेंगे तो जो आपके गम्स प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। जैसे गम्स प्रॉब्लम होती है, पायरिया होती है या गम्स में पस वगैरह आता है, वो सब ठीक हो जाता है इससे। फ्रेंड्स, इसका दूसरा घरेलू नुस्खा जो है वो ये है कि अगर किसी के मुंह से स्मेल आ रही है, मतलब जैसे बदबू टाइप आती है, तो अगर आप इसके दो तीन पत्ते मुंह में रख लेंगे पान की तरह, तो जो स्मेल है ख़राब वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरे घरेलू नुस्खे में इसके 10-15 पत्तों का पेस्ट बनाकर अगर आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में सूजन आई हुई है और उसमें बहुत पेन हो रहा है, तो उस पर आप पेस्ट बनाकर लगा लें। इससे सूजन में जो दर्द हो रहा है, जो पेन हो रहा है, उसमें बहुत राहत मिलती है इससे। फ्रेंड्स, इसी तरह जैसे बरसात के दिनों में कभी कभी फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं, तो भी इसके पत्तों का जो पेस्ट है उसको फोड़े फुंसियों पर लगाने से वो भी ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके पत्तों का 2-3 ग्राम रस दिन में 2 बार पीने से डायरिया भी ठीक हो जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है तो इसके पत्तों का लगभग आधा टीस्पून रस और उतनी ही क्वांटिटी में प्याज का रस मिलाकर अगर आप फोरहेड पर लेप करेंगे तो सर दर्द में भी बहुत फ़ायदा होता है। और व्यूवर्स, इसको हम भूख बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी को भूख नहीं लगती तो 10-12 पत्ते ऐसे ही चबा कर खा लें, क्योंकि इसका टेस्ट तो अच्छा होता ही है, इससे उसकी भूख भी बढ़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये कितना फ़ायदेमंद पौधा है। अब अगर ये आपके बगीचे में या गमले में कहीं भी दिखे तो आप इसे हर्बल प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इसे वीड समझकर यानी खरपतवार समझकर उखाड़कर नहीं फेंकेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आने वाली वीडियोस में भी आपको ऐसे और दूसरे हर्बल प्लांट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू व्यूवर्स, आपका दिन शुभ हो।